नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज एट नाइट। दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित का निधन, अंतिम संस्कार कल। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का आज निधन हो गया। वो 81 साल की थीं और लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उन्हें दिल्ली के एस्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। शीला दीक्षित साल 1998 से 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। वो सबसे लंबे समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। उनके नेतृत्व में लगातार 3 बार कांग्रेस ने दिल्ली में सरकार बनाई। कल दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शीला दीक्षित के निधन पर राजनीतिक हस्तियों ने जताया शोक, 2 दिन का राजकीय शोक घोषित। दिल्ली की चहेती और पूर्व सीएम शीला दीक्षित के निधन पर सभी राजनीतिक हस्तियों ने शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित नेताओं ने सोशल मीडिया पर दुख जाहिर किया है। इस मौके पर दिल्ली सरकार की ओर से 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। साथ ही अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज से शुरू हो रही अपनी वैष्णव देवी यात्रा को भी रद्द कर दिया है। सैनिकों के बीच पहुंचे राजनाथ, कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ऑपरेशन विजय के 20 साल होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज श्रीनगर पहुंचे और 1999 के करगिल युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों को जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में एक स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। बाद में सिंह द्रास के युद्ध स्मारक परिसर में स्थित वीर भूमि और हट ऑफ रिमेम्बरेंस भी पहुंचे। सोनभद्र नरसंहार पीड़ितों से मिलने जाएंगे योगी, हालातों का जायजा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सोनभद्र नरसंहार के पीड़ित और उनके परिजनों से मिलने उंभा गांव पहुंचेंगे। उनसे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज सुबह उनसे मुलाकात की। 16 जुलाई को जमीनी विवाद में हुए इस नरसंहार में 10 लोगों की जाने गई हैं और कई घायलों की हालत गंभीर है। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम का चयन कल, बेंच स्ट्रेंथ को मिल सकता है मौका। वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन कल किया जाएगा। इस सीरीज में बेंच स्ट्रेंथ खिलाड़ियों को मौका दिए जाने की पूरी संभावना है। विश्व कप में गई बुमराह, शमी, भुवनेश्वर की तिगड़ी को आराम दिया जा सकता है। इनकी जगह खलील अहमद, दीपक चाहर और नवदीप सैनी को मौका मिल सकता है। मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और लोकेश राहुल का आना पक्का है। वहीं विजय शंकर और पृथ्वी शाह की फिटनेस रिपोर्ट का भी सभी को इंतजार है। पृथ्वी शाह अगर नहीं जाते हैं तो मुरली विजय को जगह मिल सकती है। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।